मध्य प्रदेश के उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुके हैं। माननीय कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने किया था। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर ये जो उपचुनाव है, जिस तरह से कमलनाथ जी के साथ लोगों का उत्साह और प्रेम है, उससे देखते हुए लगता है कि सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का विजय होगा। जब कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे तब लोगों के सामने उन्होंने वादे किए थे और उन्हीं वादों पर उन्होंने काम भी किया। कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लोगों ने धोखा करने का काम किया है और उसी वजह से मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए, तुरंत उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीब किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया था। साथ ही साथ कमलनाथ जी का विजन था, उनका सपना था कि मेरे मध्य प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिले। मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम मध्य प्रदेश के कांग्रेस शासन के वक्त कमलनाथ जी ने तुरंत करवाए थे। आज मध्य प्रदेश के लाखों किसान कहते हैं कि हमारा कर्ज माफ हुआ है, और कमलनाथ जी ने अभी भी दूसरी बार भी चुनाव प्रचार में कहा कि जितने भी बाकी किसान बचे उनका भी तत्काल रूप से कर्ज माफ होगा। पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाह और गुंडागर्दी के दम पर लोगों को डराने का और धमकाने का काम किया था, आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया है कि हम लोग इस बार जिस तरह से असंवैधानिक रूप से कांग्रेस की सरकार गिराई है, गिराने वाले भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट जिताना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह से प्रचार देखते आए हैं, लोगों में जिस तरह से जुनून है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चुनाव संपूर्ण रूप से कांग्रेस के समर्थन में रहेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के पूरे मंत्रिमंडल ने जिस तरह से एक एक व्यक्ति की हितों में बात की, एक एक व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़े हैं। जो गरीब परिवार थे, खासतौर पर आदिवासी इलाकों में, जो उन परिवारों को जो जमीन अलॉट नहीं हो रही थी, वो जमीन अलॉट कराने का काम भी कमलनाथ जी के शासन में हुआ है। कमलनाथ जी का विजन था कि मेरे मध्य प्रदेश का नौजवान दूसरे प्रदेश में काम करने नहीं जाएगा। कमलनाथ जी का विजन था, सपना था कि मेरे मध्य प्रदेश का नौजवान मध्य प्रदेश के शासन में और मध्य प्रदेश की कंपनियों में काम करेगा, जहां कंपनी नहीं वहां कंपनियां लगाने का काम होगा, और मध्य प्रदेश का एक भी नौजवान अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा। जब किसानों को फसल के सही दाम नहीं मिल रहे थे, तब मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी शासक वर्ग के लोग थे, उनको कहा था कि मेरे प्रदेश में एक भी किसान भूखा नहीं रहना चाहिए, एक भी किसान दुखी नहीं होना चाहिए, और एक भी किसान कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं करना चाहिए। यह कमलनाथ जी का विजन है। अगर आपको लगता है कि कमलनाथ जी के शासन में क्या होगा, तो आप एक बार छिंदवाड़ा देख लीजिए। जिस तरह से छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के गांवों में, शहरों में जिस तरह उन्होंने काम किया, उसी सपनों को लेकर, उसी विकास के तौर पर वो पूरे मध्य प्रदेश के गरीब तबके को, दलित आदिवासी तबका हो, किसान हो, नौजवान हो, मध्यवर्गीय परिवार हो, उन सभी लोगों के लिए कमलनाथ जी ने तय किया है कि मुझे मेरे मध्य प्रदेश में एक एक व्यक्ति के लिए काम करना है। कमलनाथ जी का सपना क्या है? मैंने उनके साथ काम किया है 2018 के विधानसभा के चुनाव में। उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के उन परिवारों की बात होती है जो परिवार कहीं ना कहीं सरकार से अपेक्षाएं रखता है। नौजवान क्या चाहता है? नौजवान चाहता है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, तो वही काम माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस बार 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाइए, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। कमलनाथ जी के शासन में मध्य प्रदेश का पुनः नवनिर्माण होगा, मुझे भरोसा है। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से मां नर्मदा नदी में रेत खनन माफिया अपनी मनमानी से मां नर्मदा की छाती छल्ली करने का काम किया था, कमलनाथ जी आए, उन्होंने यह रुकवाया, मां नर्मदा को बचाने का काम किया, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का हितैषी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने का काम।
मैं आप लोगों को से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आपको रोजगार मिला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर योजना जो लॉकडाउन और कोरोना के वक्त लागू की थी, क्या उसमें से एक भी रुपया आपको मिला है? मैंने कई नौजवानों किसानों के वीडियो देखे हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि हाँ कमलनाथ जी के शासन में हमारा कर्ज माफ भी हुआ है और हमारे बेटे को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल रहा है। गुंडागर्दी खत्म हो रही है मध्य प्रदेश से, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासन में, कमलनाथ जी के शासन में। जो आदमी गद्दारी करता है वो जनता के साथ कैसे वफादारी से काम कर सकेगा? 15 साल के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को शासन दिया था, 15 साल के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी से छुटकारा पा के कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं का अपमान करने का काम किया है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं के वोट को बेचने का काम किया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है और ज्योतिराज सिंधिया ने किया है। मैं तो हाथ जोड़कर आप लोगों को विनती करता हूं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते हमें मालूम है किस तरह से उनकी गुंडागर्दी है। मुझे मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आना है लेकिन मुझे जानबूझकर नहीं आने दे रहे, मुझे हाईकोर्ट से परमिशन नहीं दे रहे। आपको नहीं मालूम होगा कि मुझे गुजरात बाहर जाने पर बैन किया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के उन नौजवानों को, किसानों को, उन परिवारों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही शासन के खिलाफ अब वोट कीजिए, कांग्रेस के सभी उम्मीदवार को जिताइए और फिर से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों के मन में संकोच है कि कैसा विकास होगा मध्य प्रदेश में, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं छिंदवाड़ा जाइए, एक दिन बिगाड़िए और वहां का जाकर विकास देखिए। विकास का मतलब होता है हर एक परिवार का विकास। विकास का मतलब सिर्फ उद्योगपतियों का नहीं, उस चंबल के गांव के किसान का भी होना चाहिए विकास, उस मालवा और निमाड़ के किसान का भी होना चाहिए विकास। विकास का मतलब सिर्फ भोपाल या इंदौर में रहने वालों का ही नहीं, विकास का मतलब होता है मध्य प्रदेश के हर गांव गांव का। और वो काम करने का प्रयास और जज्बा सिर्फ और सिर्फ किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में, और उनके मुख्यमंत्री के तौर के उम्मीदवार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे कमलनाथ जी के पास है। कमलनाथ जी की टीम आपने देखी, सब नौजवान। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नवनिर्माण अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ नौजवान कर सकता है, और इसीलिए कमलनाथ जी की टीम में, कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में कौन थे तो नौजवान थे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में व्यापम कौभांड हुआ, व्यापम घोटाले के तहत कितने लोगों की जान चली गई, रेत के खनन जो माफिया है वो बिंदास पूरे प्रदेश में घूमते आए हैं, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवानों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, ऐसे समय में हमें इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि भगवान श्री राम जी सिर्फ और सिर्फ रावण का वध नहीं करते, भगवान श्री राम जी अपने रामायण में दिखाते हैं कि मैं सिर्फ कट्टर नहीं हूं अधर्मियों का, मैं मानवता का प्रेमी भी हूं। और इसीलिए उन्हें आदिवासी परिवार की बेटी सबरी के वहां जाकर जूठे बैर खाए थे। तो ये कांग्रेस पार्टी मानवता में मानती है, भाईचारे में मानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करेगी, वोट बांटने का काम करेगी, लोगों को डराएगी धमकाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश की एक एक जनता, 28 सीटों पर उपचुनाव है, वहां की एक एक जनता ये तय कर ले कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से हम यहां से उखाड़ कर फेंकेंगे और कांग्रेस का शासन बनाएंगे।